गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय में नई समाज की ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को संबोधित किया। इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई समाज के लोगों को एकजुट करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए हारेगा और पीडीए जीतेगा। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सबका सम्मान करती और हर वर्ग के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है, भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलन से बहुजन समाज जागरूक होगा, सभी लोग एक साथ आएंगे और भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। जिस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुजन समाज जागृत होगा, वो एक साथ आएंगे।